हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। दोस्तों, आज मैं चावल की रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये जो हम शादी वगैरह में बनाते हैं चावल, ये शादी वाले चावल हैं। ये बनाने बहुत ही आसान है। इन्हें बनाने से पहले, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। जो जिन सामग्रियों की हमें आवश्यकता है, ये है चावल। ये मैंने 2 गिलास चावल को अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इनको धो लूँगी। और ये दालचीनी है, ये 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के और बड़ी इलायची के लिए हैं, 4 टुकड़े। ये दोस्तों इलायची है, हरी इलायची 10 से 12 दाने, ये लौंग 10-12 दाने, और ये तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं मैंने। इनको मैं ऐसे टुकड़े करके 2 टुकड़े कर लूँगी इनके। और दोस्तों ये है पानी। मैंने 2 गिलास चावल लिया है, उसके लिए मैंने दोस्तों 3 गिलास पानी लिया है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मुझे एक बाउल चाहिए, मैं इस बाउल में बनाऊंगी। ये बड़ा सा बाउल है, लीड वाला। ये मैंने गैस पे रख दिया है, मैं इसका पानी सोख लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भिगोना अच्छे से सुखा लिया है। मैं इसमें तेल डाल दूंगी। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। ये गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा डालूंगी। ये 1 बड़ा चम्मच मैं जीरे का डाल दूंगी। ये इलायची और दालचीनी, ये सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी इसमें। इन्हें भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मैं इसमें अब चावल डाल दूंगी। अब दोस्तों मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अब दोस्तों मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। एक बार फ्रेंड इसको मैं चला लूंगी बीच में, इन्हें ऊपर नीचे कर दूंगी। ये देखिए, हमारा सारा पानी सूख चुका है और चावल भी गल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा अभी कच्चे हैं। यो मैं गैस बंद कर दूंगी, ये भाप में ही हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, खिले खिले एकदम।
ये देखिए, अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए, ये रेसिपी बहुत ही आसान है।